दोस्तों आज बात करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन प्लान के। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस मॉडल को डिस्कस करेंगे। इसका साइज़ है 40x40, 40x40 में पूरा मॉडल क्रिएट किया है विद पोर्च के साथ। अगर आप यहाँ कार पार्किंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और अगर यहाँ पर आप अपना पोर्च का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। या विंडो की बात करें तो वो भी आपको लकड़ी का फ्रेम मिलेगा, वुडन टेक्सचर यहाँ पर दिया है मैंने। और यहाँ पर पोर्च में जो मैंने दिए, सबसे पहले दो पिलर हैं इसका, बीम है, और इसके बाद आपका ये डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। 40x40 मतलब 1600 स्क्वायर फीट में ओवरऑल ये मकान डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें आपकी आगे जहाँ से पिलर है यहाँ से लेकर लास्ट तक पूरा इंक्लूडेड है जगह। और ये आपका थोड़ा सा जगह वेस्ट होता है, आप यहाँ पर गार्डन या पार्किंग वगैरह बना सकते हैं। तो इस मॉडल को डिस्कस करेंगे, तो बने रहे वीडियो में लगातार। मैं हूं पवन झागले और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। अब हम बात करते हैं इस प्लान की। सबसे पहले अगर जूम करके मैं ऐसे आपको दिखाना चाहूँ तो आप प्रॉपर तरीके से इसका टेक्सचर देख पाएंगे कि ये मकान में जो रेलिंग है, जो ग्रिल लगा हुआ है, वो किस टाइप का लगा है। यहाँ पर स्टील का दोस्तों यूज़ किया है, जिसमें कलरफुल स्टील है, और साथ साथ आपका ये स्लोप यहाँ पर मैंने यूज किया है, जो आगे आप रेड कलर कर देख रहे होंगे, ये स्लोप यहाँ पर यूज किया है। तो फ्रंट एलिवेशन ये है, 3 साइड क्लोज्ड है, साइड से क्लोज्ड है मकान आपके बने हुए होंगे, फ्रंट से ही ओपन है सिर्फ। तो ये पूरा मॉडल आपके सामने मैं आज डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर, तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है, ये आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले स्टेयर्स के माध्यम से जैसे ऊपर जाते हैं तो आपको एक बड़ा सा पोर्च मिलता है। ये देखिए कि एक बड़ा सा पोर्च डिज़ाइन मिल जाता है ये आपका, जहाँ पर मैंने चेयर वगैरह लगा रखी है, कारपेट वगैरह बिछा रखी है। तो ये आपका पोर्च का डिज़ाइन है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड बेडरूम है, इसीलिए मैंने फ्रंट में ये देखिए विंडो दिया है, जो कि आपका वुडन टेक्सचर है और विंडो में। और ये देखिए इस तरफ लेफ्ट और राइट दोनों साइड, जैसे आप पोर्च में जाते हैं तो मेन डोर आपका ये है, जो आप देख पा रहे होंगे मेन डोर है। साइड में दोनों तरफ विंडो लगा है प्रॉपर तरीके वेंटिलेशन के लिए। तो जो फ्रंट में बेडरूम है उस पे जाने के लिए आपको मैंने पोर्च से ही आपका डोर दिया है, जहाँ से आप एंट्री कर पाएंगे। इससे डोर से एंट्री करेंगे तो इस वाले बेडरूम में आ जाते हैं। वहीं बात करें इस वाले बेडरूम में आने के लिए, तो यहाँ पर मैंने एक डोर दिया है, यहाँ से आप राइट हैंड कॉर्नर वाले विंडो पर आ जाते हैं। इसके बाद मेन डोर से आप जैसे एंट्री करते हैं तो आप पहुँचते हैं अपने हॉल में। तो जो हॉल का डिज़ाइन है, इस हॉल से आपकी सभी जगह एंट्री है। सबसे पहले आपको और दो बेडरूम मिलते हैं कॉर्नर पर, एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर, एक राइट हैंड कॉर्नर पर। इसके बाद अगर हम सबसे सामने की बात करें तो आपको यहाँ पर किचन एरिया मिल जाता है, जो कि आप डोर देख रहे हैं। उसके जस्ट बगल में आपको एक पूजा घर डिज़ाइन किया है मैंने। अगर आप मंदिर वगैरह कुछ भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं किचन के जस्ट बगल में। इसके बाद इस तरफ हम बात करें तो स्टेयर्स हैं, जहाँ से आप ऊपर जाएंगे अपने छत पर, और उसी के नीचे एक लेटेंट बात यहाँ पर कंबाइंड मैंने क्रिएट किया। राइट हैंड की बात, लेफ्ट हैंड की बात करें तो उधर भी एक लेटेंट बात मैंने क्रिएट किया है। तो ओवरऑल घर में अगर हम बात करें, 4 बेडरूम, किचन, पूजा घर, लेटेंट बात, 2 और स्टेयर्स, आंगन और पोर्च, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। मैं मैक्सिमम जूम करके आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको इसका रियलिस्टिक व्यू देखने को मिल जाए। इसमें वुडन टेक्सचर ज़्यादातर मैंने यूज़ किया है। बात करें अगर विंडो की, तो यहाँ पर मैंने अंदर कोई भी विंडो यूज नहीं की है आपका प्रॉपर तरीके से। वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ पर आंगन में जाल रखवा सकते हैं, जिससे रोशनी वगैरह आपके घर में आती रहेगी। तो ये पूरा ग्राउंड फ्लोर हो गया। अगर हम फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पर चारों तरफ 4 फुट का बाउंड्री और फ्रंट में रेलिंग, जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कलरफुल रेलिंग यहाँ पर डिज़ाइन किए, स्टील और यहाँ पर स्टील का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक वाइट और येलो कलर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है। तो ये पूरा मॉडल था 40x40 मतलब 4 बेडरूम के साथ, और यहाँ पर 1600 स्क्वायर फीट में पूरा कवर्ड किया। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। और इस मॉडल का अगर कॉस्ट की बात करें, अगर आप इसे कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, घर बनवाने में कितना पैसा लगेगा, कितना मटेरियल लगेगा, तो उसके लिए आप प्ले स्टोर पर जाएं, हमारा एक एप्लीकेशन है स्मॉल हाउस प्लान नाम से, उसे डाउनलोड कर लें, या लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन पूरा फाइंड आउट करेगा आपका कॉस्ट क्या है एस्टिमेटेड, और साथ साथ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।